आपका भाई एक रोड ट्रिप प्लान कर रहा है। दो फेवरेट डेस्टिनेशंस हैं मेरी रोड ट्रिप के लिए, एक ऑस्ट्रिया और एक नॉर्वे। ऑफ कोर्स दोनों में से नॉर्वे बेहतर है, लेकिन अगर मेरे पास टाइम कम हो तो फिर मैं ऑस्ट्रिया प्रेफर करता हूँ। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं ट्रैवल के लिए, एक तो ये मेरी पोलो, फ्री पेट्रोल, फुली इंश्योर्ड, फुली कंपनी के खर्चे पे, लेकिन इससे स्टाइल नहीं बनेगा, इसलिए हम जाएंगे इस पर। अभी सुबह इसको मैंने लेके जाना है गराज, चेक करवाना है कि सारा कुछ ओके है। अभी सुबह सुबह उठाऊँ, अभी जा रहा हूँ गाड़ी गराज देने। ये है नेक्स्ट गोल, ट्रैवल विद द कार्गो। गाड़ी का था अलाइनमेंट का इशू, थोड़ी तेज चलाते थे तो गाड़ी वाइब्रेट करती थी, तो अभी टेस्ट ड्राइव के लिए इसको हाईवे पे लेके जाता हूँ, फिर चेक करता हूँ। 100 तक तो बिल्कुल ठीक चल रही है, 120 पे भी, 140 पे भी, 150 तक तो ठीक ही है, इससे ज़्यादा यहाँ पे चेक करूँगा तो यू नो। एक जर्मन हाईवेज, ऊपर से पहाड़ी इलाका, टायर्स का रिस्क नहीं ले सकता। गाड़ी अब टेक्निकली तो ठीक है, लेकिन गाड़ी को साफ करना भी जरूरी है। कुछ ग्रॉसरी का सामान रहता है और कुछ बारबेक्यू का, और रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स, बाकी सब चीज़ ठीक है, पानी का रिस्क नहीं लेता। अगर तो आप जा रहे हैं ना कैंपिंग पे, पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ना वो है ये, अगर तो अभी ये भूल गए तो आप तो मारे गए। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं साथ लेके जानी, मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन अभी उसी की डिस्कशन हो रही है। अभी तो वो वाला हिसाब हुआ हुआ है कि 12 का पाँव है और 7 की जूती है, इतना ज़्यादा सामान है, देखें गाड़ी में पूरा आता है या नहीं। अभी गाड़ी ये मंजर पेश कर रही है, ये आधा सामान है, बाद ये है, पहले हम जा रहे थे 4 लोग, अब हम जा रहे हैं 5 लोग। गाड़ी में बड़ा टेंट, एयर मैट्रेस, स्लीपिंग बैग्स, हमारे कपड़े, खाने का सामान, पानी, और अब हमें नहीं लगता कि हम ये सारा सामान एक गाड़ी में लेके जा सकेंगे। दो दोस्तों को सुबह जर्मनी से पिक करना है, तो फिर जब वहाँ जाएंगे तो फिर देखेंगे कि हमें अगर दूसरी गाड़ी की जरूरत पड़ी तो दूसरी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, तो या फिर हमें इसमें से सोचना पड़ेगा कौन सा सामान हम छोड़ के जा सकते हैं। लेट्स सी।